नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। नवंबर महीने का पहला हफ्ता चार राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। दिवाली वाले इस हफ्ते में उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा से ज़बरदस्त धन लाभ होगा। वहीं कुछ जातकों को इस दौरान खर्च पर काबू रखना होगा, वरना महीने के आखिर में परेशानी हो सकती है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं मेष राशि से। यह सप्ताह भाग्योदय कारक है, कार्यों में तरक्की मिलने की संभावना है। लेखन, साहित्य और सृजनात्मक कार्य करने वाले जातक अपने कार्य में इनोवेशन करने का प्रयास करें। इस सप्ताह कोई बहुत पुराना अटका हुआ काम हो जाने से मन में प्रसन्नता रहेगी। वृषभ राशि, इस सप्ताह अपनी वाणी के बल पर अच्छा धन अर्जित करने में कामयाब होंगे। परिवार के साथ आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा। पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन सलाह है कि नया निवेश करने से बचें। यदि करना ही है तो अनुभवी और बुजुर्गों लोगों के लिए सलाह अवश्य लें। मिथुन राशि, यह सप्ताह शुभ रहेगा। परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अपने करियर पर फोकस रखना होगा। नौकरी पेशा के वर्तमान कार्य में बदलाव आने की पूर्ण संभावना है। कार्यभार की अधिकता के कारण शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। कर्क राशि, इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गले संबंधी रोग परेशान करेंगे। सप्ताह बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापारियों को कोई नया अनुबंध होगा जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा। व्यापारियों को कार्य पर विशेष ध्यान देना है। सिंह राशि, यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में चुनौतियों बढ़ाने वाली होगा। चाहे बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी, हर तरह का संकट आप पर बना हुआ है। यदि आप अपने भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर काम करेंगे तो संकट से उभर जाएंगे। इस सप्ताह अनावश्यक पैसे खर्च करने से बचे। आपके मन और विचारों में सामंजस्य नहीं रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। तुला राशि, इस सप्ताह पैसों की बचत करने की आदत डालनी होगी, वरना भविष्य में अचानक आई जरूरतों में परस्त हो जाएंगे। व्यापारियों को कार्य विस्तार का प्लान बनाने की जरूरत है और नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ होने की संभावना कम है, लेकिन भविष्य के लिए आपको विस्तृत योजना बनानी चाहिए। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह पारिवारिक जरूरतों पर खर्च अधिक होगा। व्यापारी बंधुओं को अपने कार्य पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। भावुकता या किसी के बहकावे में आकर कोई काम ना करें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सामने आ सकती है। धनु राशि, यह सप्ताह सुखों में वृद्धि करने वाला साबित होगा। आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, लेकिन भविष्य में इन्हें बरकरार रखने और इनमें वृद्धि करने के लिए अपने बिजनेस पर फोकस करें। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि, यह सप्ताह सावधानी से चलने का है। किसी से विवाद हो सकता है। आपके द्वारा लिए गए तमाम निर्णय उल्टे पड़ सकते हैं, इसलिए जो भी करें अच्छी तरह सोच समझ कर विचार कर करें। खासकर आर्थिक मामलों में ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोगों पर भी संकट आ सकता है। कुंभ राशि, इस सप्ताह में जीवन साथी के साथ संतुलन बनाने का समय है। प्रेम संबंधों में नकारात्मकता हावी ना होने दें। अपनी वाणी संयमित रखें, वरना प्रेम संबंध टूट सकते हैं। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। हृदय रोगी, डायबिटीज के रोगी विशेष सावधानी बरतें। आखिरी में हम बात करें मीन राशि की। इस सप्ताह अपनी बौद्धिक क्षमता और वाणी के दम पर सफलता हासिल करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में प्रागणता आएगी। वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नवंबर के पहले हफ्ते का राशिफल आपको कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।